हाय गाइस, होम आइडिया विथ रंजिता चैनल टू लोग मैं रंजिता अपना लोग आता है के स्वागत हम जाना सु मैं जिहे तो आगते आगर वीडियो बोरत मैं किबा न होय किबा की वस्तु बनवा देखवा आसिलु एतिया भाबिसु मैं आरो नतुन कोय मोर ब्लॉग करिम कियनो मैं हदाय किबा न होय वस्तु बनवा बले मोर समय निमिले बा वस्तु जुगार किनि बले मोर आनिबो समय न होय हे मैं भाई मोर चेनेल तो एतियार करा ब्लॉग करिम और ब्लॉगर मजते मैं किसान बस्तु बनवाओ देखाम हे मैं आज रात गा पा धु उठी मैं मोर ब्लॉग तो आरम्भ करूँ आशा करूँ अपना मोर भिडि शेष लेकिन चाह और मोर चेनेल तो सपे सबसक्राइब कर और लगते लाइक कर कमेन्ट कर और बंधुबर्गर शेयर करात नौमान बजि से मैं रात शु उठी मैं गोटे घर साफ चिकुण को राखिल तार पद मैं गा पा धुल घर मुसिल रात चाह खा मैं मोर लरा और भागिन और मोर हजबेन्डक चाह पानी खुआ हजबेन्ड अफिश गल और मोर लरा और भागिन स्कूल ले गल इतना मैं और मा और लगते मोर मोर भाई शुर घर आसे इतना मैं दिन तो भर किम आपल देखा थकम और मोर एक सन्मानी टिकी ऊपर उठी आसे तार मैं बहुत व्यस्त होटार मजद कथा बतरा थके इन धुनिया कथा कह थके अपने मोर भिडिओ तो चाय निश्चय भल पा शेष लगे चाहिए मोर मैं ईद कईटाम मैं मेक्सी किनीसिलो मेक्सी कटा अपना बारो मेक्सीब निजर शर अनुसरी फिटिंग लयने मैं कि मैं जैसे मेक्सी किनो मैं मोर जीतु बहुत डांगर हूँ मैं अलग चुटी चापर हूँ मैं ये मेक्सी कटा मैं मोर जोखर कर फिटिंग कर लम आपल बारू केनेकनो फिटिंग कर लाबसन और जिस जाने तो भल कथा और जिस नजाने जो मेक्सीबूर एक बस्तु बहुत तल में नामी जाए नामी गले बहुत बेहद लगे ना जानो सहे मैं हाथी एन खुली लम खुली लो मोर जोखत मैं काटि लम इमान काटि लुनियाको जोख अनुसरी मैं सिलई लम मेक्सी हाथ दुखन मैं सिलईबूर खुली ललो खुली लोर जोख अनुसरी मोर जोखत मोर कांधर हेखिनि मोक 4 इंच लगे 4 इंचर बेसि हले बेया देखि तललै बहुत नामी आहे हे मैं स्केल डालर सहायत 4 इंचर जोखत मैं एनेदरे डट डट दि चीन दि लैछु एतिया मैं हे चीनखिनिर ऊपरे दि मैं भालकै काटि लम मेक्सीबूर जदि फिटिंग नहय पिंधि भाल नालागे अनकम्फर्टेबल लगे हे मैं जिमान दिन मैं मेक्सी पिंधिछु बा आनिछु मैं सदाय मैं मोर चार्जत मैं फिटिंग करि लौं एनेदरे काटि लै मैं धुनिया कय फिटिंग करि लौं फिटिंग कय पिंधि लुवार आमेजे बेलेक आपोनालोकेओ मेक्सीबूर एनेदरे फिटिंग करि पिंधेने जो कोने कोने बारु एने कय पिंधे मोक कमेन्ट करि जनाबो मैं एइदरे हाथुखान उलियाय लय जेतिया मय काटि लैछु एतिया को एने कय पाटि लम पाटि लय मय साइडरे सिलाई करि जाम एने कय सिलियाय लुवार पिसत कापुर जुर धुनिया फिटिंग होय परे एबार आहिल मेक्सीटुर फिटा केडल सदाय तलत थाके जोख अनुसरी सदाय ऊपर उठाय लब लागे तेतिया पिंधिओ भाल लागे आरो देखिबोलो धुनिया हय हे मय मोर जोख अनुसरी मोक 7 इंच मान लागे हे मैं 7 इंच मैं सिलाई खुली लय फिटाडाल ऊपर उठाई लम इने कोई मैं भिडियो देखुआ धरणे उठाई लय मैं केसीरे जोनखिनि थय हिमानखिनि ठायत मैं दाग दि लैछु दाग दि लय तल फाले भितर सीधा फलत मैं फिटाडाल हुमाय लम लय मैं साइडत धुनिया कय सिलाई जाम शेषत आहिल तलर खिनि একেবারে তলর সকলোরে ঠিক জো অনুসরি নহয় যেহেতু আমি রেডিমেড মেক্সি পিন্ধু সেয়েহে মই তো আর আগতে কৈছো মই যেহেতু চুটি চাপর হয় মোর কারণে বহুতো দীঘল হয় মোর যিমানবোর মই মেক্সি কিনিছো মই প্রত্যেকটো মেক্সিরে 2 ইঞ্চ কৈ মই দাগ দি লৈ মই তেনেকৈ সিলাই কৰি যাওঁ ওপৰত মুড়ি মাৰি লওঁ এনেকৈ সিলাই যাওঁ আৰু এতিয়া মই মেক্সিটো মই এনেদৰে সিলাই গৈছো সকলোৱে এনেকৈ মেক্সিবোৰ যিসকলৰ মেচিং নাই তেওঁলোকে হাতেৰেও চিলাই কৰিব পাৰে মই কেতিয়াবা বাৰু আপোনালোকক হাতেৰে কেনেকৈ নৈ মেচিনত চিলোৱাৰ নিচিনাকৈ চিলোৱাব পাৰিম বেজী আৰু সূতাৰ সহায়েৰে মই কেতিয়াবা হাতেৰে দেখুৱাম
আজি মই মেচিনেৰে দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈনো এটা মেক্সি ফিটিংকৈ পিন্ধিব পৰা যায়। ক'ত কেনেকৈ কি কৰি চিলোৱালোঁ মই সেইখিনি দেখুৱাই নাথাকোঁ, কিয়নো মই যেতিয়া কাটিছিলোঁ মই দেখুৱাই দিছিলোঁ কেনেকৈ ক'ত কি কৰিম। হাত দুখন মই কটাৰ পিছত তাত মই লগোৱাই ল'লোঁ। ফাইনেলি মোৰ মেক্সিকেইটা ফিটিং কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিন্ধি কেনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। সেয়া তলৰ ফালে মই ইমানখিনি জোখত কৰি অলপ দীঘলকৈ ৰাখিছোঁ, কিয়নো ধুলে আৰু কোচ খাই যাব যিহেতু কটনৰ হয়। দুয়োটাই মেক্সি মই এনেকৈ মোৰ জোখত মই ফিটিং কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ ফিটিং কৰি ল'ব পাৰে। বান্ধৱীসকল, মই তেতিয়া কাপোৰ চিলোৱা দেখুৱাইছিলোঁ, কাপোৰ চিলোৱা হৈ গ'ল। কাপোৰ চিলোৱাৰ পিছত মই পাকঘৰৰ কাম কিছুমান আছিল সেইখিনি কমপ্লিট কৰি ৰন্ধা বঢ়া কৰিলোঁ দুপৰীয়াৰ কাৰণে। আমি সকলোৱে খালোঁ। বাবুহঁতৰ স্কুলৰ পৰা আহিল, স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত সিহঁতকো দিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান ৰেষ্ট লৈ এতিয়া মোৰ কিছুমান কাপোৰ আছে, মই ওপৰত কাপোৰ ধুইছিলোঁ, সেইখিনি কাপোৰখিনি মেলি দিয়া আছিল ওপৰত, সেইখিনি আনিলোঁ আৰু এতিয়া মই ভালকৈ জাপি ধুনীয়াকৈ থৈ দিম। এতিয়া যিহেতু ব্লগটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰিম, কিয়নো বেছি দীঘলীয়া কৰিলে সকলোৱে আমনি পাব, সেয়েহে মই অকণমান আৰু দেখুৱাই বেছি নেদেখুৱাওঁ আৰু। এইখিনি কাপোৰ মই ৰ'দৰ পৰা আনি এনেদৰে থৈছিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াক জাপি সামৰি ধুনীয়াকৈ ৰাখি থওঁ।